Hey guys, welcome back to our channel. तो ये है किया सेल्टोस HTX वेरिएंट एंड ये IVT वाला है. अंकल ने इसे लास्ट ईयर 2020 में खरीदा था. किया एक नया ब्रांड था तब एंड उस टाइम तो क्रेटा भी थी, ट्रेंडिंग में थी. तो अंकल ने किया ही क्यों ली, क्रेटा क्यों नहीं ली. क्या एक्सपीरियंस है अंकल का किया के साथ एंड नए ब्रांड पर ट्रस्ट कैसे हुआ, सब पता करेंगे इस वीडियो में. तो वीडियो को पूरा देखना. Hey guys, welcome back to our channel. तो ये है किया सेल्टोस एंड ये अंकल की है कार. अंकल आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो. ओके, हाय, माय नेम इज धीरज मल्होत्रा एंड आई स्टे इन जयपुर. आपने ये कार कब ली थी? इट्स बीन 1 ईयर, 1 साल हो गया. अच्छा, और ये कौन सा वेरिएंट है? दिस इज IVT व्हिच इज ऑटोमेटिक. टॉप से एक कम, टॉप मॉडल से एक नीचे वाला. right. तो अभी जैसे अंकल, जब आपने गाड़ी ली थी तब इसकी सेफ्टी रेटिंग आपको पता थी क्या? हाँ, I think it is 5. नहीं, 3 है. नहीं पता. Someone told me in the Kia showroom it is 5. अच्छा, अच्छा, तो मतलब आपको पता नहीं था आपने जब ली थी. तो मतलब गाड़ी का अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसी है चलाने में? बहुत अच्छा. Okay. Mileage is very very good. Mileage क्या दे देती है? On a highway it gives about 20. 20? Yes. और सिटी में? सिटी में 12, 13, 14. अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 12, इससे कम नहीं. हाँ, IVT वाला. तो ये आपको मतलब कैसा लगा? स्मूथ है इसमें गियर शिफ्टिंग वगैरह? इसमें गियर शिफ्टिंग करनी नहीं होती है. हाँ, मतलब so आपको फील होती है गियर शिफ्टिंग हो रही है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फील नहीं होती है. अच्छा, I think IVT का एडवांटेज ये है कि इसमें माइलेज बेटर आता है. डिसएडवांटेज है कि गियर एंगेजमेंट में थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट आता है. अच्छा, बट ये इसकी IVT की जो लॉन्गिट्यूडिटी है ये मेरे ख्याल से बाकी जो ऑटोमेटिक कन्वर्टर आता है उससे बेटर है. सर्विस कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज लेस. गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती नहीं हमारी तो बेटर है. अच्छा, और कुछ नेगेटिव लगे गाड़ी के आपको? नहीं, मुझे अभी तक तो कोई नेगेटिव नहीं एहसास हुआ. अच्छा, वेरी नाइस. ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है. हम लोग थोड़े बहुत हल्के फुल्के पहाड़ों में भी जा चुके हैं. इट्स वेरी नाइस. अच्छा, किया जब आपने ली थी तब नया ब्रांड आया था इंडिया में, तो आपने किया ही क्यों ली? जिन लोगों ने किया, मेरे फ्रेंड्स ने खरीदी थी, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. ड्राइव कंफर्ट बहुत अच्छा है, साइलेंस बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छा है, इंजन इज गुड. डीजल लेनी नहीं थी. अच्छा, डीजल लेते तो शायद हैरियर लेते. हाँ, क्योंकि जितनी कम ड्राइविंग उसमें डीजल की जरूरत नहीं थी. सर्विसिंग वगैरह आपने कराई है इसकी? हाँ, सर्विस करा ली. जो पहली 3 सर्विसेज होती हैं. अच्छा, फ्री वाली थी क्या वो? हाँ, बट उसमें वैसे भी मतलब आई थिंक सर्विस कॉस्ट इज जस्ट अबाउट 3,000. अच्छा, ऑयल चेंज मिला के तो मेरे ख्याल से एक सर्विस में 7,000-8,000 का खर्चा आएगा अगर फुल्ली पेड सर्विस भी कराओ तो. अच्छा, इट्स नॉट एक्सपेंसिव. अच्छा, बाकी तो स्पेयर्स का तो तब पता पड़ेगा जब स्पेयर्स खराब, कुछ गड़बड़ होगी. और एक्सपीरियंस कैसा रहा है किया के साथ, डिलीवरी एक्सपीरियंस जब गाड़ी ली थी आपने? बहुत अच्छा था. अच्छा, कहीं पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. काफी वेलकमिंग, बढ़िया. अच्छा अच्छा, और आप रिकमेंड करते हो ये गाड़ी मतलब दूसरों को? डेफिनेटली. ये वाली डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस. अच्छा, और इसमें मतलब अगर मैं पूछूं कोई आपका एक फेवरेट फीचर तो क्या होगा वो? फेवरेट फीचर इसका ऑटोमेटिक है और रिस्पॉन्स है. अच्छा, मेरे लिए बढ़िया है. हाँ, समवन हूज इनटू फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग, फास्ट पिकअप वगैरह, उसके लिए नहीं है, बट दिस इज गुड फास्ट ना. हाँ हाँ, ओके. और बूट स्पेस वगैरह सब बढ़िया है? बूट स्पेस ठीक है. बूट स्पेस ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया है, बट हमारे लिए काफी है. मतलब पीछे इतना लेगरूम जो है, इसके साथ इससे ज्यादा बूट स्पेस नहीं मिल सकता. इसमें सनरूफ भी आ जाती है. आपको, आपने मतलब कभी ऐसे यूज करी है? बिल्कुल.
बच्चे तो यूज करते ही रहते हैं, ये हम लोगों के यूज करने के लिए नहीं है, बच्चों के यूज करने के लिए। छोटी सी बोलती है सर, पैनारोमिक नहीं आती। नहीं, क्रेटा भी थी ना अंकल इस सेगमेंट में, हमने क्रेटा क्यों नहीं ली? देखो दोनों के इंजन बराबर है, दोनों की सेफ्टी रेटिंग्स बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो फिर अब लुक्स का ही मामला था। अच्छा, तो आपको किया माय वाइफ लाइक लुक्स मोर इसके, तुम अच्छा। मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इंटीरियर भी इसका ज्यादा अच्छा लगता है क्रेटा से। उन्होंने अच्छा इंटीरियर दिया है। हाँ, इसका ज्यादा स्क्रीन भी बड़ा अच्छा दिया है। हाँ, सब कुछ एवरीथिंग इज नाइस, मतलब फंक्शनैलिटी है हर चीज में। लाइट्स आर नाइस, डीआरएल जो फ्रंट वो रनिंग है वो थ्रो कैसा है उनका, लाइट्स का थ्रो कैसा है? अच्छा, हमने नाइट ड्राइविंग भी करी है तो अच्छा, दिस मच बेटर। अच्छा, ऑफ कोर्स, मतलब 30-35 लाख वाली कार्स जैसा नहीं है, इट इज नथिंग क्लोज टू डिस्कवरी स्पोर्ट, बट अच्छा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम्स ऑन हाईवे, साउंड इज नाइस, अच्छी लगी आपको? अच्छे से मीडिया वगैरह नहीं चल रहा, रेडियो चला देते हैं। अच्छा, क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, तो वो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा कि हाईवे में आप जा रहे हो तो यू सेट इट ऑन 85-90 और वो बड़े आराम से क्रूज करते हुए आप जा रहे हो, यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग, जब तक ब्रेकिंग नहीं होगी, और उस क्रूज कंट्रोल में ही, मतलब 21 का भी एवरेज इसने हाईवे पे 21 को दिया है, बहुत अच्छा है तो। क्योंकि हैरियर का तो 14-15 रहता है, हैरियर डीजल भी तो है। हाँ, और वो थोड़ी भारी गाड़ी भी है, मतलब बोनेट वगैरह आप देखोगे ना तो किया वाले से थोड़ा हैवी है उसका। तो आप, मुझे डीजल लेनी होती तो मैं हैरियर लेता। अच्छा, आप हैरियर लेते हैं, पर डीजल नहीं लेनी थी क्योंकि मेरी ड्राइविंग मुश्किल से 1000 किलोमीटर। हाँ, so डीजल का सेंस उसमें नहीं बनता। अभी आपने ये कितनी चलाई है? 6700। यस, तो आप ओवरऑल हैप्पी हैं बहुत ज्यादा? मुझे दिक्कत ही नहीं। अच्छा, तो थैंक यू अंकल, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। एंड हाँ गाइस, बस इतना था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।